सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस एकेडमी। मैं अक्षय, आप सबका स्वागत करता हूं मटेरियल साइंस के लेक्चर सीरीज में, जहां अपन पढ़ रहे थे डिफेक्ट्स। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पॉइंट डिफेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट आर द बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट, लाइक योर वैकेंसी डिफेक्ट, व्हाट इज योर सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, व्हाट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, व्हाट इज आई कैन से इनपरफेक्शन इन लैटिस, आई कैन से व्हाट इज फ्रेंकल एंड शॉर्टकट डिफेक्ट। बोलो, यहां तक क्लियर है? तो हमने पॉइंट डिफेक्ट की बात प्रीवियस लेक्चर तक हो चुकी है, आज हम कुछ अपना आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट के बाद अब जो हमारा डिफेक्ट आ रहा है वो है क्या आपका लाइन डिफेक्ट। वो क्या है माय डियर? लाइन डिफेक्ट। नाउ आज का चर्चा का मुद्दा है वो है आपका लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये देखा जो पॉइंट डिफेक्ट था, पॉइंट डिफेक्ट मैं कह सकता हूं क्या कि जो पॉइंट डिफेक्ट था वो एकदम एटॉमिक साइज पे था। जैसे एक नमक की बोरी में से आई कैन से एक नमक का दाना हटा लूं तो उसका डायमेंशन कितना होगा? बहुत कम। या मैं कह सकता हूं क्या कि पॉइंट डिफेक्ट का जो डायमेंशन है वो बहुत जीरो के बराबर है, तो इसलिए उसे कहा गया जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। और यहां अगर मैं लाइन डिफेक्ट की बात करूं, तो अगर मैं लाइन की बात करूं, जैसे हमने पॉइंट डिफेक्ट में कहा कि एक पॉइंट से डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एक पॉइंट डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं लाइन की बात करूं दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल डिफेक्ट। ये कौन सा डिफेक्ट है? वन डायमेंशनल डिफेक्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक? बोलो क्लियर है? नाउ लाइन डिफेक्ट की बात करें तो इस लाइन डिफेक्ट को बोलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों क्या? डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्या बोला गया इसे? इसे बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसे बोलते हैं डिसलोकेशन। अब ये क्या होता है, क्या नहीं होता है समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स। डिसलोकेशन डिफेक्ट, नाउ मेरे प्यारे भाई बहनों सुनना एक बार अच्छे से। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जब अपन ने शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड किया था, जो कि हमारे गीगा पास्कल मारी थी, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों हमने देखा कि जो थ्योरी अपन ने पढ़ी है वो क्या है? परफेक्ट लैटिस की पढ़ी है, जिसकी वजह से आपका जो शीयर स्ट्रेंथ है किसी मेटल का वो गीगा पास्कल में आया था। बोलो क्लियर है? नाउ हमने देखा, प्रैक्टिकली बुक्स में देखते हैं तो प्रैक्टिकली जो शीयर स्ट्रेंथ होती है किसी मेटेरियल का वो कितना होता है? इन मेगा पास्कल होता है। तो इतना बड़ा गैप क्यों माय डियर फ्रेंड्स? प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ इतना कम क्यों है? एटलीस्ट 1000 times कम है माय डियर। अगर मैं मेगापास्कल की बात करूं और गीगापास्कल की बात करूं, और थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ अगर आपकी गीगापास्कल मारी है और प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ आपकी मेगापास्कल मारी है माय डियर फ्रेंड्स, तो देयर बेसिकली 100 times गैप ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों देखा गया ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपकी जो प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ है वो 1000 times कम आ रही है थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ की। बोलो क्लियर है? देखा गया देयर एग्जिस्ट अ डिफेक्ट। हमने जो थ्योरेटिकल बातें की थी वो परफेक्ट लैटिस की थी, वो परफेक्ट लैटिस की थी माय डियर फ्रेंड्स। यहां हमने डिफेक्ट्स को इंक्लूड करके, डिफेक्ट्स को देके हमने अगर स्टडी किया वो कैसा होगा? प्रैक्टिकल स्टडी होगी। तो वो पर्टिकुलर डिफेक्ट कैसे उस एनर्जी, कैसे उस स्ट्रेंथ को कम करेगा, हम उसकी बात करने वाले हैं। वो कम क्यों होता है? इस वजह से, डिसलोकेशन डिफेक्ट की वजह से किसी भी मेटेरियल का स्ट्रेंथ माय डियर फ्रेंड्स कम होता है। कैसे कम होता है, क्या कम होता है, सब देखेंगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब डिसलोकेशन होता क्या है हम उसकी बात करेंगे। ये कैसा आपके लैटिस में दिखाई देता है हम उसकी बात करने वाले हैं। बोलो क्लियर है तक? नाउ नाउ माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखना अच्छे से। मेरे प्यारे भाई बहनों मान लो ये आपका परफेक्ट लैटिस है। परफेक्ट इसका मतलब क्या? इसमें कोई डिफेक्ट दिख नहीं रहा आपको माय डियर फ्रेंड्स, कोई डिफेक्ट नहीं दिख रहा क्या? देखो
और ये ऐसा ही क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी 3D में होंगी, दे बेसिकली प्लेन्स, दे बेसिकली व्हाट योर प्लेन्स ना। और ऐसा ही अगर मैं कहूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, तो कुछ 3D में ऐसा होगा, आपके एटॉमिक प्लेन्स की बात करें, ये 3D स्ट्रक्चर बना रहे होंगे क्या, बोलो। कुछ आपका ये 3D स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना रहे होंगे, बोलो, क्लियर है? कुछ ऐसा। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नाउ लाइकवाइज दैट, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ये मान लो आपका परफेक्ट 3D स्ट्रक्चर है, ऐसा आप मान लीजिए, ऐसा आप मान लीजिए एक बार, क्लियर है? अगर दिखने में नहीं दिख रहा तो एक बार मान लीजिए, ये बिल्कुल एक परफेक्ट 3D स्ट्रक्चर आपके एटम्स का है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है? बिल्कुल एक के नीचे एक है, 3D में इसको एक्सपैंड किया गया है, क्रिस्टल बनाया गया है माय डियर फ्रेंड, 3D रिपीटेशन किया गया है। अब देखें होता क्या है डिसलोकेशन, जब ऐसा हमने देखा, ये क्या है आपका परफेक्ट लैटिस है, ये क्या है आपका बिल्कुल परफेक्ट है, मैं कह सकता हूं क्या, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो अब क्या होगा, अगर डिसलोकेशन की बात किया, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं क्या करने वाला हूं, ऑनली जो फ्रंट वाला एरिया है, जो फ्रंट वाला है उसे हम बात करेंगे, हम समझ सकते हैं कि 3D में रिपीटेशन हो रहे होंगे, लेकिन जो ओनली फ्रंट वाला मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसकी ही बात करने वाला हूं, ठीक है? उसको ही यहां पे ड्रॉ करने वाला हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि यहां पे आपके एटम थे माय डियर फ्रेंड, परफेक्ट लैटिस की बात करूं तो ये आपके पास क्या थे, परफेक्ट लैटिस की बात करें तो ये आपके एटम ऐसे ऐसे हुआ करते थे, दे आर बेसिकली योर प्लेन। ये क्या 3D स्ट्रक्चर माय डियर फ्रेंड, 3D स्ट्रक्चर है, क्लियर है? मैं ओनली आगे वाला जो पोर्शन है, फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है इसका, वो मैं आपको दिखा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। जब डिसलोकेशन होता है, देखिए कैसे, जब आपके एटम क्या थे, लिक्विड में थे, और जब यूनिट सेल बने और जब उनका 3D रिपीटेशन हुआ, तो ये देखा गया मेरे प्यारे भाई बहनों कि भाई इन सब में तो बिल्कुल बराबर है, एटम बराबर है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं क्या, ये जो आपके बीच वाला प्लेन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये 3D में होगा माय डियर फ्रेंड, 3D में भी होगा, सुनिए एक बार, ये वाला जो प्लेन है उसके नीचे वाले एटम गायब है, उसके नीचे वाले एटम क्या है माय डियर फ्रेंड्स, गायब है, आप देख सकते हैं। तो देखो क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं क्या, जो बिल्कुल एटम दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके नीचे वाले जो एटम है, आप कह रहे हैं सर यहां पर यह एटम नहीं है, अगर यहां पे ये एटम नहीं है तो अब होगा क्या मेरे प्यारे भाई, देखना एक बार, यहां पे एटम नहीं है तो मैं ऐसा करता हूं, ये आप समझ रहे हो क्या, जैसे ये वाला जो प्लेन है, अगर 3D बनाने की कोशिश करूं, जो जो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, देखें एक बार,
कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा क्या? अगर 3D की बात करें माय डियर फ्रेंड, ये बोर्ड के अंदर की बात हो रही है, बोर्ड के अंदर घुस रहा है ये प्लेन। बोले जरा क्लियर है, यहां तक बताएं क्लियर है माय डियर फ्रेंड? ये जो प्लेन है मैं कह सकता हूं क्या, इसके इधर तो एटम है, इसके इधर तो एटम है, ये देखिए इसके माय डियर फ्रेंड इधर तो एटम है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। लेकिन आप देख सकते हैं क्या, इस प्लेन को अगर मैं 3D में देखूं तो वहां पे इसके एटम नहीं दिख, इसके नीचे जो एटम है आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड। यहां भी एटम है, यहां भी एटम है माय डियर फ्रेंड, यहां भी एटम है। क्लियर है यहां तक? इसको बना नहीं रहा हूं मैं, अभी कंफ्यूजन होगा। यहां भी एटम है लेकिन इस प्लेन के नीचे वाले, इस प्लेन के नीचे वाले पोर्शन में मैं कह सकता हूं क्या, यहां पे आपके एटम नहीं है। नाउ माय डियर फ्रेंड सुनिएगा अच्छे से, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? नाउ अब अगर मैं बात करूं सर, यहां पे मैं कह सकता हूं क्या, अगर ये प्लेन यहां पे एटम नहीं है तो मैं कह सकता हूं सर ये जो एटम है वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये जो एटम है वो इसके साथ बना रहा है, और इसके मतलब कहने का मतलब ये है जो ये कॉर्नर वाला एटम है, ये वाला 1 2 3 4 ये जो एटम है वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि वो यहां से तो बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन एक तरफ से बॉन्ड नहीं बना पा रहे क्योंकि यहां पे एटम नहीं है। तो वो क्या करेंगे, अरे मैं आगे जाता हूं, मैं बॉन्ड बनाने की कोशिश करता हूं क्योंकि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, या मैं कहूं वो स्टेबल कंडीशन में आना चाहते हैं, वो यहां पे उनको वैकेंसी दिख रही है तो मैं कह सकता हूं क्या वो यहां पे इस कंडीशन में आना चाहते हैं। ऐसे ये ट्राई कर रहे होंगे, ये माय डियर ट्राई कर रहे होंगे कि मैं हम यहां जाएं, हम भी यहां जाएं, हम यहां जाएं और हम भी यहां जाएं। बोलो क्लियर है? क्योंकि दे आर बेसिकली यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है माय डियर फ्रेंड। बोलो क्लियर है यहां तक? नाउ क्लियर है? नाउ तो सर आपने ऐसा कहा, ऐसा तो कुछ दिख रहा है कि भाई ये ऊपर वाला जो प्लेन है, ये ऊपर वाला जो हाफ प्लेन है माय डियर फ्रेंड जो अंदर की तरफ जा रहा है, उसके नीचे के जो प्लेन के एटम है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसके नीचे के जो प्लेन के एटम है माय डियर फ्रेंड वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो नीचे वाला प्लेन है उसे मैंने बोल दिया मान लो मिसिंग हाफ प्लेन, जो नीचे वाला प्लेन है उसे मान लो मैंने बोल दिया माय डियर फ्रेंड मिसिंग हाफ प्लेन, उसे मैंने बोल दिया मिसिंग हाफ प्लेन, और ऊपर वाला जो प्लेन है, जो आधा ये प्लेन है उसे मैंने बोल दिया माय डियर फ्रेंड, इसे बोल दिया मिसिंग हाफ प्लेन, उसे बोल दिया एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। देखो माय डियर फ्रेंड क्या बताना चाहता है ये, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। देखें क्या है, क्या आपको लग रहा है कि ये कोई एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है? क्या आपको लग रहा है ऐसा कि एक्स्ट्रा? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है। देखो क्या है, जैसे मान लो मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को छुपाता हूं, देखो अगर मैं इस डायग्राम को देखो, सुनो अगर मैं यहां तक इसको भूल जाओ, नीचे वाला भूल जाओ, अगर मैं ऊपर वाले को दिखाता हूं तो क्या आपको लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा प्लेन आ रहा है? नहीं, आप कहेंगे सर ये प्लेन तो माय डियर फ्रेंड ये प्लेन तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, यहां पे कोई डिफेक्ट थोड़ी आया है, ये तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही बनाया जो इधर बनाया है, और इसे हम एक्स्ट्रा हाफ प्लेन कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। तो बस इसे तथाकथित है, ये मतलब बोल दिया गया है कि एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है क्योंकि इसके नीचे वाला जो प्लेन है माय डियर फ्रेंड, उसके नीचे वाले प्लेन के जो एटम है वो यहां पे नहीं है, वो यहां पे नहीं है माय डियर फ्रेंड। बोलो क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है? तो देखो क्या कहा गया कि ठीक है सर, इसे बोल दिया मिसिंग हाफ प्लेन, लेकिन यहां पे ऐसा हाफ प्लेन जैसा कुछ नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है कि इस प्लेन के नीचे कुछ है नहीं, इसलिए इसे बोला एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, इसे बोल दिया मिसिंग हाफ प्लेन और इसे बोल दिया माय डियर फ्रेंड एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। बोलो क्लियर है यहां तक? लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, डिफेक्ट कहां प्रोड्यूस हो रहा है वो हम देखेंगे, डिफेक्ट कहां प्रोड्यूस हो रहा है हम देखेंगे। देखो माय डियर फ्रेंड्स, देखें अगर हम देखते हैं तो इस लाइन, जो लाइन है ना, जो लाइन दिखाई दे रही है अंदर घुसती हुई, उस लाइन के नीचे जो एटम नहीं है ना, उस लाइन के नीचे के एटम नहीं है ना माय डियर फ्रेंड्स। बोलो, मेरी बात बताओ, अगर हम यहां देखते हैं तो हम ये महसूस कर पाते हैं माय डियर फ्रेंड कि जो डिसलोकेशन लाइन, जो ये लाइन है माय डियर फ्रेंड, ये देखो ये वाला लाइन जो है, समझते हैं, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाला लाइन, ये क्या दिखा रही है कि इस प्लेन के, इस पर्टिकुलर लाइन के जो नीचे है वो एटम नहीं है। बोलो क्लियर है? नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर ये कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, अगर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्लेन नजर आ रहा है और नीचे इसके खाली है,
तो मैं कह सकता हूं क्या, जहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी, जहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी, यहां पे समझ पा वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो जहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई वहां पे आसपास के एटम में टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखाई देगा, बोलो, वो आपस में आने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर प्लेन को, अगर आप ऐसा मानते हो कि दिस इज बेसिकली एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, तो मैं कह सकता हूं क्या, ऊपर वाले प्लेन में कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा, बोलो क्लियर, यहां से तो हट गए, तो ये यहां पे आना चाहते हैं, ये यहां पे आना चाहते हैं, तो इन पर्टिकुलर पास वाले जो एटम्स में खिंचाव महसूस होगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये चाहता है कि मैं आ जाऊं, तो ये कहेगा भाई तू क्यों जा रहा है यहां पे, मुझसे बॉन्ड बना रहा है, बनाता रहे, तो ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जाना चाहेगा, तो मैं कह सकता हूं क्या, इसके नीचे वाले एटम में, जिसके नीचे वाले प्लेन में, माय डियर फ्रेंड, यहां पे ये आसपास वाले एरिया में क्या होगा, बोलो, एरिया में क्या होगा, आप कहेंगे सर आसपास वाले एरिया में टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड डेवलप होगा। और यही अगर मैं ऊपर वाले प्लेन की बात करूं, मेरे प्यारे भाई बहनों, यही अगर मैं ऊपर वाले प्लेन की बात करूं, वहां पे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन चूंकि इसके नीचे से एटम गायब है, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है कि दिस इज बेसिकली व्हाट एन एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। तो अगर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन लगा दिया, तो मैं कह सकता हूं क्या, ऊपर एटम थे उसमें अगर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन लगा दिया, तो क्या होगा, आप ट्रेन में बैठे हो सीट पे, कोई एक्स्ट्रा आदमी आके बैठ जाए, तो आसपास वाले को क्या लगेगा, अरे कोई धक्का मार रहा है। तो मैं कह सकता हूं क्या, इसके ऊपर वाले पोर्शन में मेरे प्यारे भाई बहनों क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा, इसके ऊपर वाले पोर्शन में क्या होगा माय डियर फ्रेंड, कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा। बोलो क्लियर है, कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है माय डियर फ्रेंड। नाउ, तो पहले बात तो ये, ऐसे डिसलोकेशन को क्या कहा गया, ये कह रहा है कि भैया जो आपके एटम्स हैं वो कहां से निकले हैं, वो आप कह सकते हो क्या, वो इस पर्टिकुलर प्लेन की बात करें, इस प्लेन के नीचे वाले जो लाइन है दिख रही है आपको, इसके नीचे से, इस प्लेन के एज के नीचे से एटम गायब हुए हैं, इसलिए इसे बोला जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों एज डिसलोकेशन। क्या बोला गया इसे, एज डिसलोकेशन बोला गया, बोलो क्लियर है यहां तक। तो ये जो लाइन दिख रही है इसके नीचे से माय डियर फ्रेंड, इसके नीचे से प्लेन के एटम गायब हुए हैं, तो इसे बोला गया क्या, इसे बोला गया एज डिसलोकेशन। क्या बोला गया, एज डिसलोकेशन। नाउ माय डियर फ्रेंड, नाउ तो मैं कह सकता हूं क्या, एज डिसलोकेशन जो लाइन है कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ इसके बोर्ड के अंदर दिखाई देगी आपको, थ्री डी की बात करें तो इस बोर्ड के अंदर जो लाइन होगी मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बोर्ड के अंदर जो लाइन होगी, उस लाइन के नीचे जो एटम होंगे वो क्या होंगे, गायब होंगे। बोलो क्लियर है यहां तक, बोलो यहां तक क्लियर है माय डियर फ्रेंड, और भी समझेंगे इसे, एक बार शुरुआत है, थोड़ा सा अजीब लगेगा, और भी समझने की कोशिश करेंगे इसे समझने का। तो यहां तक क्लियर हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेन, और मैं कह सकता हूं क्या, दिस इज योर टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड, कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड और टेंसाइल फील्ड, तो यहां पे टेंसाइल होगा, मतलब टेंशन प्रोड्यूस होगा टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड के कारण। तो मैं कह सकता हूं क्या, यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा और माय डियर फ्रेंड यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेन प्रोड्यूस होने के कारण, यहां पे क्या होगा आपका, कंप्रेशन होगा। नाउ मेरे प्यारे भाई बहनों सुनो, एक बार आपने एक केस तो ये लिया, अब मान लो इसका उल्टा केस लेते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे,
नाउ अब मान लो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मान लो मेरे प्यारे भाई बहनों सुनना एक बार, जहां यहां पे ऊपर वाले प्लेन, ऊपर वाले प्लेन को एक्स्ट्रा हाफ प्लेन बोला और नीचे वाले प्लेन में मिसिंग हाफ प्लेन बोला, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ऊपर वाला जो प्लेन है उसे मिसिंग करने वाले हैं और नीचे वाले प्लेन को भरने वाले। देखो माय डियर फ्रेंड कैसे, जैसे इसका उल्टे की बात करेंगे, देखें यहां पे आपके एटम है माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखो, अब आपको लग रहा होगा सर इसके ऊपर वाले, इसके अगर 3D की बात करें मेरे प्यारे भाई बहनों, 3D अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो सर कि जो डिफेक्ट कहां दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिखाई दे रहा है सर कि ये जो प्लेन है, अगर 3D की बात करूं, अगर 3D की बात करूं मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, कि यहां पे जो प्लेन है वो कुछ आपको एक्स्ट्रा प्लेन की तरह दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसके जो ऊपर के जो एटम है वो क्या है, मिसिंग है। इसके ऊपर के एटम क्या है मेरे प्यारे बहनों, मिसिंग है। इसके ऊपर के जो एटम है वो क्या है, मिसिंग है। बोलो क्लियर है यहां तक, बोलो यहां तक क्लियर है। नाउ नाउ चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, अब बताओ मुझे कहां कंप्रेशन फील्ड डेवलप होगा और कहां टेंशन फील्ड डेवलप होगा। जहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी वहां के जो एटम है वो आपस में आसपास पास आना चाहेंगे, वो अगर आपस में आसपास आना चाहेंगे तो देखो यहां पे ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा बोलो। आप कहेंगे सर इसके जो ऊपर है इस एरिया में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कौन सा प्लेन है, मिसिंग हाफ प्लेन है क्या, दिस इज मिसिंग हाफ प्लेन। इस प्लेन में डेवलप होगा क्या आपका टेंशन, इस प्लेन में डेवलप होगा आपका टेंशन माय डियर फ्रेंड, इस प्लेन में डेवलप होगा आपका टेंशन। नाउ जिस प्लेन में आप एक्स्ट्रा प्लेन मान रहे हो, जिस प्लेन को आप एक्स्ट्रा हाफ प्लेन मान रहे हो, उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा कोई प्लेन आगे घुस गया है तो उसकी वजह से, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा माना गया कि अगर इसके ऊपर प्लेन में एटम नहीं है लेकिन इसके प्लेन के एटम है तो इसे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन माना गया, ऐसा महसूस किया गया कि एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, सो कॉल्ड एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं क्या यहां पे कौन सा स्ट्रेन क्रिएट हुआ होगा। आप कहेंगे सर यहां पे हुआ होगा कंप्रेशन स्ट्रेन, क्या हुआ होगा कंप्रेशन स्ट्रेन, ये देखो ये वाला। नाउ क्लियर है? नाउ क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये हो गया आपका कंप्रेशन। ठीक है? तो जहां एक्स्ट्रा हाफ प्लेन आपको दिखाई देगा मेरे प्यारे भाई बहनों, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, वहां पे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन बोलेंगे और उसके ऊपर क्या होगा, मिसिंग प्लेन होगा, और जहां पे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन होगा वहां पे आपका कंप्रेशन डेवलप होगा, और जहां पे आपका एक्स्ट्रा हाफ प्लेन दिखाई देगा वहां पे टेंशन डेवलप होगा। देखो सॉरी, जहां पे हाफ प्लेन होगा जैसे ये है, तो इस जब कोई आदमी आपके बीच में आकर बैठता है तो कंप्रेशन डेवलप होता है माय डियर फ्रेंड। तो यहां पे कंप्रेशन डेवलप हुआ है और यहां पे बोलो कि यहां पे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन नीचे आ गया, और जहां पे वैकेंसी है वहां पे टेंसाइल स्ट्रेन, मतलब मैं कह सकता हूं टेंशन डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा माय डियर फ्रेंड्स, टेंशन डेवलप होता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? नाउ
आगे और समझेंगे, आगे और समझेंगे कि कैसे अपन डिसलोकेशन को और भी अच्छे से देख पाते हैं। अगर मैं स्लिप की बात करूं तो हम कैसे डिसलोकेशन को देख पाते हैं उसकी बात भी करना है, ठीक है, और भी अच्छे से समझेंगे माय डियर फ्रेंड। एक बार इसे नोट कीजिए, एक बार इसे नोट कीजिए, और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नाउ मेरे प्यारे भाई बहन सुनना एक बार, मैं कह सकता हूं क्या, देखो इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसे डिनोट कैसे करते हैं, देखें इस पर्टिकुलर प्लेन के नीचे वैकेंसी क्रिएट हुई, इस पर्टिकुलर प्लेन के नीचे एटम गायब हुए, तो इसे डिनोट करने का तरीका क्या है। देखो किस पेन से करूं, लाल पेन से करते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड देखें, ये ऐसा करके, ऐसा समझ रहे हो, ऐसा करके, अब बोलो प्लेन कहां है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन कहां है, आप कहेंगे सर ऊपर है, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। देखो ये ऐसा और ये ऐसा, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन कहां है बोलो, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन कहां है, आप कहेंगे सर यहां है, तो इसको ऐसा डिनोट करेंगे। दिख नहीं रहा है क्या, दिख नहीं रहा है तो और भी नहीं दिखेगा। ये देखो ये आपका एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इधर है, तो दिखाने का तरीका ये है। और यहां पे क्या होगा, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन का है इधर है, तो मैं कहूंगा किसी को पॉजिटिव मान लो, किसी को नेगेटिव मान लो, बात तो एक ही है, कुछ भी मान सकते हैं अपन, देखने का नजरिया है। इसको ऐसे नोट करते हैं, जहां पे आपको हाफ प्लेन दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको हाफ प्लेन दिखाई दे रहा है, वहीं आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे, वहीं आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। तो इसे बोला गया, इस पूरे को बोला गया माय डियर फ्रेंड पॉजिटिव, इसे बोला गया पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, पॉजिटिव एज डिसलोकेशन माय डियर फ्रेंड, और इसे बोला गया नेगेटिव एज डिसलोकेशन, पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, एंड दिस इज व्हाट योर नेगेटिव एज डिसलोकेशन। अब पॉजिटिव नेगेटिव आपके देखने का नजरिया है, एक को पॉजिटिव मानोगे दूसरे नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्लियर है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अगर ऐसा कोई दिखाई दे रहा है, मतलब अगर ऐसा कोई आपको सिंबल दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बहनों ऐसा, तो इसका मतलब क्या समझेंगे बोलो, इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे माय डियर फ्रेंड कि यहां पर डिसलोकेशन हो रहा है, और एक्स्ट्रा हाफ प्लेन कहां है, ऊपर है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन कहाँ है, ऊपर देखो यहाँ पे है ना, और यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है देखो कि भैया ये डिसलोकेशन है, और एक्स्ट्रा हाफ प्लेन कहाँ है, नीचे है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन कहाँ है, नीचे है। इसका मतलब क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऊपर है तो ऊपर कंप्रेशन है, और नीचे क्या है बोलो बोलो बोलो, टेंशन है। ऐसा दिखाई दे रहा है नीचे वर्टिकल लाइन है, तो नीचे क्या है आपका, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, मतलब नीचे कंप्रेशन होगा और ऊपर क्या होगा, टेंशन होगा। माय डियर फ्रेंड्स इसे नोट करो फटाफट, इसे नोट कीजिए फटाफट। क्लियर है, चलो अब कुछ लिखते हैं इस बारे में, लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, इसकी नोट खींच लो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ माय डियर सर, नाउ बात करते हैं आगे। तो हमें डाला हेडिंग लाइन डिसलोकेशन माय डियर फ्रेंड, आई कैन से लाइन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट। नाउ लिखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट, लाइन डिफेक्ट में लिखेंगे पहला पॉइंट,
ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा गया इसे, ऑल्सो कॉल्ड वन डायमेंशनल डिफेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड वन, ऑल्सो कॉल्ड एज, अभी चिंता मत करो पूरा समझ में आएगा, एक बार थोड़ा सा सीखो, अब और बताऊंगा आगे मैं और आपके विजुलाइज करने की शक्ति बढ़ाऊंगा, ठीक है, एक बार ऐसे नोट करो, ऑल्सो कॉल्ड एज वन also called as one dimensional defect and defect and also known as dislocation also known as dislocation, also known as dislocation, clear है? Now, ये किसका था? Line defect का था, ये आपके line defect का point था, now लिखेंगे अब, next point, dislocation is a line defect which can be defined as first one, vacancies align in a line, my dear friend, देखो, जो vacancy इस line के align है ना, ये 3D plane के दिखाई दे रहा है, तो vacancy aligned in a line, ठीक है, इसके पीछे पीछे वाले plane पे नहीं होगा, just इस line पे, only इस line की बात करें, इसी line के नीचे जो atom होंगे, वो ही क्या होंगे, missing होंगे, बोलो clear है बात, now my dear friends, now dislocation is line defect which can be defined as vacancies aligned in a line now and extra half plane missing from missing from the perfect planes of atom an extra half plane missing from the perfect planes of atom now my dear friend now third point an extra half plane present within the perfect planes of atom within the perfect planes of मतलब extra half plane क्या होगा नीचे से missing लग रहा होगा आपको और extra half plane ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके ऊपर है ठीक है my dear friend like that देखिए आपको लग रहा होगा कि extra half plane नीचे नहीं है और extra half plane ऊपर है ठीक है ये लिखा है मैंने यहाँ पे ये लिखा है now my dear friend आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट लिखें जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट ओनली द बॉटम एज
ऑफ ओनली द बॉटम एज ऑफ हाफ प्लेन, ओनली द बॉटम एज ऑफ हाफ प्लेन इज डिफेक्ट, नॉट द एंटायर हाफ प्लेन. So it is called edge dislocation. Clear है यहां तक? मतलब क्या है? Only the bottom half of the plane, ये है ना bottom half of the plane, only इसके half, इसके नीचे edge पे vacancy create हो रही है. ऐसा नहीं कि पूरे ही lattice में vacancy नीचे create हो रही है, ऐसा नहीं है ना. Only इसके edge पे, only इस plane के edge पे vacancy create हो रही है, ऐसे board की तरफ vacancy create हो रही है मेरे प्यारे भाई बहनों. तो इसे बोला गया क्या आपका only edge dislocation. क्या बोला गया? Edge dislocation. बोलो clear है यहां तक? बोले यहां तक क्लियर है? तो वैकेंसी क्रिएट कहां हुई? इस प्लेन के बोर्ड के अंदर. क्लियर है तक? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. डिसलोकेशन मोस्टली फ्रॉम ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन एंड फर्दर मल्टीप्लीकेशन एंड फर्दर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसलोकेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग कोल्ड वर्क. मतलब एक बार डिसलोकेशन हो गया और मेरे प्यारे भाई बहनों ये बढ़ता रहेगा जब सॉलिडिफिकेशन करेंगे या उस पर कोल्ड वर्क करेंगे किसी मेटल के ऊपर. अंदर अगर आपका डिसलोकेशन है, लाइन डिफेक्ट मौजूद है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कोल्ड वर्क करेंगे तो इसका क्या होगा? बढ़ोतरी होती रहेगी माय डियर फ्रेंड. क्लियर है? डिसलोकेशन मोस्टली फ्रॉम द ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन एंड फर्दर मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन मतलब इसकी बढ़ोतरी होना, इस डिफेक्ट का बढ़ोतरी होना जब हम इसे रूम टेम्परेचर पे मारेंगे करेंगे मेटल को, उसके अंदर अगर लाइन डिफेक्ट है तो उसको डिफेक्ट देने से, मतलब कोल्ड वर्क करने से उस डिफेक्ट का अमाउंट क्या होगा? मल्टीप्लाई होता रहेगा. बोलो क्लियर है? तो इसे नोट कीजिए, इन पॉइंट्स को नोट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स. फिर आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखें, यहां तो हो गया. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सिक्स पॉइंट. इफ एन एक्स्ट्रा हाफ प्लेन is missing from below slip line, it is called
अगर नीचे आपका देखो इफ एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इज मिसिंग फ्रॉम बिलो सी प्लेन, मतलब इस लाइन के नीचे अगर आपका हाफ प्लेन है जो मिसिंग है इस लाइन के नीचे, ये लाइन है ना, यहाँ पे आपका क्या है बोलो, यहाँ पे क्या है, इस लाइन पे आपके क्या है एटम मिसिंग है माई डियर फ्रेंड, इस लाइन के नीचे एटम मिसिंग है क्या बोलो, इस लाइन के नीचे एटम मिसिंग है माई डियर फ्रेंड, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि इसके नीचे जो मिसिंग है इसे क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, क्या बोलेंगे इसे पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, क्लियर है। एंड when it is missing from above the slip plane, it is called as negative, it is called negative edge dislocation, negative edge dislocation. Now क्लियर है यहां तक? अगर हम बात करें इसके नोटेशन का तो पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव एज डिसलोकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, आपको पता है मतलब इसके ऊपर के डायरेक्शन में क्या है आपका हाफ प्लेन है, और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं माय डियर फ्रेंड, नेगेटिव एच डिसलोकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसे करेंगे इसे कि भाई इसके नीचे जो है वो आपका एज डिसलोकेशन है, बोलो क्लियर है, उसके नीचे जो है आपका बोलो क्या है आपका एक्स्ट्रा प्लेन है, इसलिए से दिखाया इसको ऊपर दिखाया कि इसके ऊपर जो है आपका एक्स्ट्रा प्लेन है, बोलो क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। नाउ इसे नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बात करें और समझते हैं कि भैया इसमें स्लिप क्या है, मतलब कहां एटम जा रहे हैं, प्रिंस का स्लिप क्या है वो देखते हैं माय डियर फ्रेंड, और अच्छे समझ में आएगा कि डिसलोकेशन जो है एज डिसलोकेशन क्या है, और भी अच्छे से अपन समझेंगे। देखो माय डियर फ्रेंड, यहां तक क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया यहां तक सबने? Now my defense next। अब अगर मैं बात करता हूं कुछ ऐसी edge dislocation की बात करेंगे जो हमने पढ़ा अभी, edge
डिसलोकेशन, एज डिसलोकेशन माय डियर फ्रेंड, और उसमें बात करेंगे अपन स्लिप के टर्म्स में कैसे देखते हैं, व्हाट इज स्लिप इन डिसलोकेशन। नाउ माय डियर फ्रेंड देखें, ये मान लो यहां पे क्या है, आपके एटम्स हैं, इज बेसिकली परफेक्ट क्रिस्टल लाइक दैट, ये 1-1 मान लो, 2-2, 3-3, 4-4, ये क्या है बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टल, 6-6 सॉरी 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, क्लियर है यहां तक, ये क्या है बिल्कुल परफेक्ट लैटिस है माय डियर फ्रेंड, ऐसा आप मान सकते हैं, ऐसा आप एक बार मान लीजिए, ठीक है। नो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक, ये बिल्कुल एक प्लेन है माय डियर फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6। नाउ मेरे प्यारे भाई बहनों, अब क्या किया मैंने, अब क्या किया, इस पर्टिकुलर प्लेन जो दिखाई दे रहा है उसे दो भागों में मैंने कट कर दिया, कैसे देखते हैं, इस बोर्ड के अंदर लाइक जैसे देखो लाइक कैसे कैसे कट किया मैं, सुनना एक बार, मैंने इस बोर्ड के अंदर लाइक दैट, अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच, अगर मैं कहूं मेरे प्यारे भाई बहनों कि इन दोनों के बीच जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, वो मैंने तोड़ दिया है, वो मैंने तोड़ दिया है, समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है, सुने एक बार, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल क्या है, ये क्या है बोलो, ये क्या है, ये आपके प्लेन्स है। अब मैंने ऐसा किया, एक कटर लिया माय डियर फ्रेंड, एक कटर लिया और इसको ऐसे बोर्ड के अंदर कट करने की मैंने कोशिश की लाइक दैट, अगर यहां पे ये बॉन्ड है सब बॉन्ड, वो क्या मैंने क्या किया, उनको तोड़ने की कोशिश किया, मैंने क्या किया उनको तोड़ने का कोशिश किया। नाउ अगर मैं इनको तोड़ूंगा, अगर मैं इनको तोड़ूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा, देखो, और इनको तोड़ा कहां तक मैंने, इनको तोड़ा मान लो मैंने 4 तक, इनको मैंने ओनली 4 तक तोड़ा, जो 4 है ना, 4 तक मैंने इनको तोड़ा, अगर तोड़ता हूं तो मुझे कैसा नजर आएगा, देखें माय डियर फ्रेंड, अगर मैंने इनको तोड़ दिया मेरे प्यारे भाई बहनों, देखें आप कहोगे सर कुछ ऐसा, बॉन्ड जो है बीच में मैंने इनके तोड़ दिए, जो बॉन्ड है वो मैंने क्या किए, तोड़ दिए, नाउ माय डियर फ्रेंड मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, सॉरी ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये भी क्या है माय डियर फ्रेंड 4 है, ये भी क्या है माय डियर फ्रेंड 4 है। नाउ मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बाकी जो 5 6 7 8 है वो आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, वहां पे मैंने तोड़ा नहीं है, वहां पे मैंने तोड़ा नहीं है, तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा, 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है, ये कुछ आपने ऐसे मान लिए, 5 6 7 और 8, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। नाउ अब देखो क्या किया, अब आपने क्या किया, इसको कट करने के बाद में इस, अब दो प्लेन बन गए आपके पास, दो प्लेन बन गए, एक तो ऊपर वाला प्लेन और नीचे वाला प्लेन, क्योंकि आपने क्या किया, दोनों को बीच में से कट कर दिया लाइक दैट, बोर्ड के अंदर गए, बोर्ड का ऐसा चक्कू चलाया, ऐसा ऐसा मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो नाइफ है ऐसा चलाया, क्लियर माय डियर फ्रेंड। तो देखो
क्या होगा, क्या होगा, आपने कट कर दिया और मान लो आपने, और मान लो माय डियर फ्रेंड आपने यहां पे इसे पुश करने का कोशिश किया, कट एंड पुश, कट तो कर दिया, अब मैं करता हूं यहां पे पुश इसे, इसे धक्का देने की मैं कोशिश करूंगा, इसे मैं धक्का देने की कोशिश करूंगा ऊपर वाले प्लेन को, तो क्या होगा, आप कहेंगे इसे दोनों भागों में बढ़ गया। अब आपने क्या किया, इसे मूव कराने की कोशिश किया ऊपर वाले प्लेन को, तो जो एक नंबर वाला है, बोलो बोलो क्लियर है, एक नंबर वाला है माय डियर फ्रेंड कुछ आगे बढ़ेगा, दो भी कुछ आगे बढ़ेगा, तीन भी कुछ आगे बढ़ेगा और चार भी कुछ आगे बढ़ेगा, बोलो ना ना माय डियर फ्रेंड, देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अगर इसे पुश किया, देखिए मैंने अगर इसे पुश किया तो माय डियर फ्रेंड तो क्या आपको दिखाई देगा, आप कहेंगे सर अगर इसे पुश करते हैं तो यहां पहले एक था, यहां पहले क्या था, वन था, और ये भी क्या था, यहां पे टू था, कहां पुश किया है, ऊपर पुश किया, नीचे पुश किया, आप कहेंगे सर ऊपर वाले प्लेन में हमने क्या किया, पुश किया। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैंने ऊपर वाले प्लेन में पुश किया तो कैसा दिखाई देगा, देखो ये एक वाला जो है प्लेन वो यहां आएगा, टू वाला प्लेन यहां आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा आगे चल के थ्री वाला प्लेन यहां आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, और मेरे प्यारे भाई बहनों फोर्थ वाला जो है वो कुछ यहां आ जाएगा, ठीक है। एक बार वापस देखिए, इसे बीच में लाइन खींच देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखो मैंने क्या किया, पहले कट किया इसे और इन प्लेन्स को मैंने क्या किया, पुश किया। कट किसे किया है, कट किसे किया है, ओनली चार, एक दो तीन चार वाले प्लेन को क्या किया मैंने, पुश कट किया है, इसको अपर वाले प्लेन बोला, इसे नीचे वाला प्लेन बोला, और इसे जब मैंने पुश किया माय डियर फ्रेंड तो क्या होगा, आप देख सकते हैं नीचे वाला तो सेम रहेगा, ये वन टू थ्री फोर, और ये ऊपर वाले जो है वो इधर जाएंगे, वन टू थ्री और ये फोर, बोलो यहां तक क्लियर है। थोड़ा सा मैंने पुश किया तो यहां पे जो वन बिल्कुल इसके नीचे था, बिल्कुल इसे नीचे था, वो थोड़ा इधर आ गया, ये वाला थोड़ा इधर आ गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, क्लियर है मेरे प्यारे भाई बहनों। नाउ नाउ माय डियर फ्रेंड, बाकी जो है छह सात आठ वो तो आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, बाकी जो है वो क्या करेंगे, आपको ऐसा ही दिखाई देंगे। लाइकवाइज देखें, लाइक देखें, ये आपका पांच छह, क्योंकि उनको छेड़ा ही नहीं है, उनको मैंने छेड़ा ही नहीं है माय डियर फ्रेंड, उनको छेड़ा ही नहीं है, ठीक है, उनको मैंने छेड़ा ही नहीं है। ये हो गया पांच छह सात और ये हो गया आपका आठ, बोलो क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया, पुश द, मैंने यहां पे क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, पुश द अपर हाफ ऑफ क्रिस्टल, या मैंने क्या किया, पुश द अपर हाफ ऑफ क्रिस्टल विथ रेस्पेक्ट टू लोअर हाफ, क्लियर है, पुश द अपर हाफ ऑफ द क्रिस्टल विथ रेस्पेक्ट टू लोअर हाफ, विथ रेस्पेक्ट टू लोअर हाफ, विथ रेस्पेक्ट टू लोअर हाफ, बोलो क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर हुआ, पुश द अपर हाफ ऑफ द क्रिस्टल विद रिस्पेक्ट टू लोअर हाफ। अपर हाफ कौन सा था, ये वाला था, यहां से मैंने तोड़ा इसको, यहां तक ही तोड़ा, यहां आगे मत जाना माय डियर फ्रेंड, जिसे तोड़ा उतनी ही बात करेंगे, ठीक है। यहां पे मैंने तोड़ा, इसे आप मूव कर सकते हैं, अब इसे अगर मूव किया माय डियर फ्रेंड तो कुछ ये यहां आ गया होगा, ये यहां आ गया होगा माय डियर फ्रेंड, ऐसे मैंने यहां पर दिखाया आपको। नाउ अगर मैं इसको पुश बढ़ाता रहूं, कंटिन्यू पुश करता रहूं, अगर मैं अब माय डियर फ्रेंड कंटिन्यू पुश करता रहूं, इसे कंटिन्यू ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगाता रहूं माय डियर फ्रेंड, अगर मैं कंटिन्यू यहां पे, जैसे मैंने पुश लगाया ना यहां पे माय डियर फ्रेंड, यहां मैंने पुश लगाया माय डियर फ्रेंड, इसी पुश को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, इसी पुश को मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं, कंटिन्यू, अगर मैं इसी पुश को कंटिन्यू करूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों तो क्या होगा, जहां पहले एक इसके ऊपर था जो प्लेन है एक नंबर वाला, वो बिल्कुल टॉप और बॉटम वाले प्लेन बिल्कुल अपने ऊपर नीचे थे, जब मैंने इसको कट करके ऊपर वाले प्लेन को धक्का दिया, इसे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो कुछ ये आगे बढ़ा, देखो कुछ ये आगे बढ़ा, दो भी कुछ आगे बढ़ा, तीन भी कुछ आगे बढ़ा, देखो ऐसा कितना बड़े होंगे, ये कितना बड़े होंगे, मान लो इतना बड़े, ये इतना बड़े माय डियर फ्रेंड, इतना बड़े, क्लियर है, ऐसे ही दो बढ़ा होगा आगे, ऐसे ही तीन, ऐसे ही चार, ये देखो बड़े हुए मैंने दिखाया आपको इधर। नाउ अगर मैं मेरे प्यारे भाई बहनों और पुश करता हूं, अगर मैं ऊपर वाले प्लेन को और पुश करता हूं, तो जो एक आपको यहां दिखाई दे रहा है वो कहां आ जाएगा, टू के ऊपर आ जाएगा, जो टू आपको यहां दिखाई दे रहा है वो थ्री के ऊपर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, थ्री आपको दिखाई दे रहा है वो फोर के ऊपर आ जाएगा, और मेरे प्यारे भाई बहनों कैसा होगा देखते हैं। नाउ
नाउ देखें, अगर मैं और पुश करता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैं और पुश करता हूं माय डियर, देखें क्या देखने को मिलता है। अगर मैं ऊपर वाले प्लेन को और पुश करता हूं, देखो ये नीचे वाला तो वन ही था माय डियर फ्रेंड, देखिएगा जरा एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा। फर्दर पुश किया मैंने, वन टू थ्री फोर, ठीक है माय डियर फ्रेंड, देखें एक बार, जब मैंने फर्दर पुश किया मेरे पैर भाई, देखो क्या होगा, बोलो क्या होगा। वन वाला था ये, मैं नंबर देता हूं पहले आपको, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अगर मैंने फर्दर पुश किया तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो वन वाला है वो टू पे आ जाएगा, जो वन वाला है वो टू पे आ जाएगा। देखें ये आ गया सर, ये वन वाला, बोलो क्लियर है। वन कहां था पहले, यहां था बीच में, दोनों के बीच में, और पुश किया तो यहां आ गया टू के ऊपर। थ्री की बात करें तो थ्री के ऊपर कौन सा आ गया होगा, थ्री के ऊपर कौन सा आ गया, दो, थ्री के ऊपर आ गया माय डियर फ्रेंड दो, थ्री के ऊपर आ गया दो, ठीक है, थ्री के ऊपर आ गया मेरे पैर में दो। और जो तीन दिखाई दे रहा है, जो तीन दिखाई दे रहा है वो भी आगे बढ़ेगा, वो भी आगे बढ़ेगा, और वो कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, तीन वाला, तीन वाला माय डियर फ्रेंड वो चार से मिलने की कोशिश करेगा, वो चार से मिलने की कोशिश करेगा, और उसके बाद क्या आपको लगता है कि चार के बाद, पांच में तो आपने प्लेन काटा ही नहीं था, पांच में तो आपने प्लेन काटा ही नहीं था, तो वो तो बिल्कुल डैमेज होगा नहीं, ठीक है ना, वो तो मूव होगा नहीं। देखो कैसे दिखाई देगा, देखो माय डियर फ्रेंड कैसे दिखाई देगा आपको, तीन वाला जो है, तो तीन वाला है वन हो गया टू हो गया, तो तीन वाला है वो चार से, तीन वाला जो है लाइक दैट, ये तीन वो जुड़ेगा आपके चार से, ये तीन वाला जुड़ गया चार से, और जो आपका चार वाला प्लेन है वो ऐसा कि ऐसा यहां पे लटका हुआ रहेगा, वो कहां से जुड़ेगा, वो कहां से जुड़ेगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चौथा वाला, और बाकी जो है, बाकी मेरे प्यारे भाई बहनों, बाकी जो आपको पांच वाले दिखाई दे रहे हैं वो पांच का पांच जुड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो आपने प्लेन काटा ही नहीं है, वहां पे तो आपने प्लेन माय डियर काटा ही नहीं है, ये हो गया आपका फाइव और ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट, सिक्स सेवन एट, सिक्स सेवन एंड एट, यहां तक क्लियर है। तो आप देख सकते हो ऐसा करने पे क्या हुआ कि जो फोर्थ वाला प्लेन है वो हैंग हो गया, बिल्कुल वो बीच में लटक गया, उस वो किसी से बॉन्ड नहीं बना पाया। क्यों देखें आप, अगर बिल्कुल पहले शुरू से चलते हैं, वापस शुरू से चलते हैं, ये देखें, अगर पहला वाले बात करूं तो बिल्कुल ये परफेक्ट लैटिस था। अब क्या किया मैंने, बिल्कुल अब क्या किया, इसको बीच में से काटा, इसको बीच में से चक्कू लिया, इसको ऐसे काटा, ऐसे काटा, तो जहां लाल लाइन दिखाई दे रही है वैसे काटा होगा मैंने, काट दिया। अब काटने के बाद क्या किया मैंने, इस पर्टिकुलर क्रिस्टल पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मतलब इसे पुश किया। अगर इस ऊपर वाले प्लेन को मैं पुश करूंगा, ऊपर वाले प्लेन को मैं पुश करूंगा, तो वन जो है वो यहां था, इसको तो ऐसे दो प्लेन बन गए, काटने के बाद ऊपर वाले को मैंने पुश किया तो एक कहां आएगा, इसके बीच में, दो कहां आएगा, इसके बीच में, तीन इसके बीच में और चार इसके बीच में, देखो कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है। अब मैंने अगर और पुश किया, अब मैंने अगर फर्दर पुश किया और मैंने यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कंटिन्यू पुश, कंटिन्यू हमने अगर पुश किया, देखो क्या हुआ, कंटिन्यू पुश, कंटिन्यू पुश किया मेरे प्यारे भाई बहनों, तो क्या हुआ देखो, ये जो वन है वो यहां पहुंचा था, पूरा किसे पहुंच जाएगा, टू पहुंच जाएगा। वन जो है यहां पहुंचा था और कंटिन्यू पुश करेंगे और पुश करेंगे और पुश, कहां पुश कर रहे हैं, ऊपर वाले पैर में, पुश द अपर हाफ ऑफ द क्रिस्टल,
वन कहां पहुंचेगा, टू के ऊपर, टू कहां पहुंचेगा, थ्री के ऊपर, थ्री कहां पहुंचेगा, फोर के ऊपर, और फोर कहां पहुंचेगा, फाइव के ऊपर, नहीं पहुंचेगा। क्यों क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने क्रिस्टल को कट कहां तक किया था, क्रिस्टल को हमने कट किया था फोर तक ही। देखो हमने क्रिस्टल को फोर तक कट किया था माय डियर फ्रेंड्स, देखो फोर तक कट किया था ना, ऐसा माना कि हमने इसको फोर तक कट किया है। अगर फोर तक ही कट किया है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो क्या फोर्थ वाला जो प्लेन है वो क्या मिल पाएगा नीचे, बोलो क्या मिल पाएगा? आप कहेंगे सर नहीं, वो बाकी जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ऐसा होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। वन किससे मिल गया, टू से, टू किसके मिल गया, थ्री से, थ्री किससे मिल गया, फोर से, फोर किससे मिल गया, फोर ऐसा कि ऐसा लटका रहा, उसके पीछे उससे बॉन्ड बनाने वाला प्लेन मिला ही नहीं। बाकी तो पांच, छह और सात और आठ, जब इसे प्लेन बनाने को नहीं मिला, जब इसे यहां पे प्लेन बनाने को नहीं मिला, तो मैं कह सकता हूं क्या इसके अंदर डायरेक्शन में वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी। फोर्थ वाला जो प्लेन है, अगर मैं थ्री डी स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा कुछ बात करूं, थ्री डी होगा ना, थ्री डी होगा प्लेन, तो ये कुछ ऐसा लाइक दैट। फोर्थ वाले प्लेन की बात करता हूं, जो कि क्या है आपका, कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है कि ये एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है, एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है, जो मैंने अभी बताया था, मैंने आपको जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है। मतलब इसके इस एज के नीचे, इस एज के नीचे आपके एटम नहीं है। अगर यहां नीचे एटम नहीं हुए तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये आसपास वाले एटम है वो टेंसाइल प्रोड्यूस करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस करने की वजह से ये कुछ इधर आने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये ऐसा ऐसा शेप क्रिएट हुआ है, इसलिए ऐसा सब क्रिएट हुआ है माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? और सब जगह क्या है, एटम तो है ही, सब जगह एटम तो है ही माय डियर फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये तो बात तो पता ही है आपको, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों बताओ, ठीक है, सब नहीं बनाऊंगा, इतना ही बनाऊंगा, ठीक है, सब समझ सकते हो आपके यहाँ पे क्या प्लेन, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम, एटम तो होंगे, कहाँ है प्लेन है तो एटम तो होंगे माय डियर फ्रेंड। देखिए अब आगे देखें, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक है, नाउ नाउ अब देखें, अब आप कहेंगे सर ऐसा है, इससे हमें ये पता चला कि हमने मूवमेंट कहां किया, हमने मूवमेंट कहां किया मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने मूवमेंट किया इस तरफ, हमने मूवमेंट किया इस तरफ, स्लिप हमने कहां डाला, स्लिप कहां डाला हमने इस तरफ, ये हमारा स्लिप प्लेन था क्या? स्लिप प्लेन का मतलब क्या, जहां पे एटम मूव कर पाएंगे, बात तो सही है, हमने देखा था व्हाट स्लिप प्लेन, जहां पे एटम मूव कर पाएंगे, व्हाट स्लिप डायरेक्शन, जहां पे डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एटम मूव करेंगे इन देयर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। नाउ माय डियर फ्रेंड देखें, हमने कहा सर हमने पुश तो इस तरफ किया, हमने पुश तो इस तरफ किया, ये हमारे पुश की डायरेक्शन क्या थी, इस तरफ थी, ठीक है माय डियर फ्रेंड, इधर पुश किया। नाउ अब देखें, आप कहेंगे सर ये वाला जो प्लेन दिखाई दे रहा है, ये वाला प्लेन, ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन दिखाई दे रहा है, जैसे हमने पढ़ा था व्हाट इज एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, ये वाला, इसके जो नीचे है, इसके एज पे, इसके एज पे वैकेंसीज क्रिएट होने वाली है, इसके एज पे वैकेंसीज क्रिएट होने वाली है। अब मान लो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं कुछ प्लेन लेता हूं जस्ट लाइक दैट, ऐसा कुछ मैंने प्लेन ले लिया, जस्ट लाइक दैट, ये मान लो ऐसा लाल कलर दिख रहा है, लाल कलर का मैंने अगर मान लो प्लेन लिया माय डियर फ्रेंड, ना देखें एक बार, ना देखते हैं एक बार, समझते हैं, देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए कुछ ज्यादा ही हो रहा है ऐसा, है ना, दो मिनट रुके, इसको और मैं थोड़ा फिर बनाता हूं ताकि समझ में आए चीजें, ताकि आपको चीजें समझ में आए, इसको हटाओ। नाउ यू कैन प्रिडिक्ट ना कौन सा हाफ प्लेन है कौन सा नहीं है, दिस वन इज योर, ठीक है, नाउ समझ में आ रहा है आपको, नाउ समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, यहां से कट किया था और दिस इज वॉट योर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, दिस इज वॉट योर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, क्लियर है?
इसके इसके नीचे क्या है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है। नाउ नाउ देखें माय डियर फ्रेंड, नाउ देखें और मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करूं, देखो और समझाने की कोशिश करता हूं मैं अगर आपको, तो कुछ एक बड़ा प्लेन ऐसा लेता हूं अंदर की तरफ। एक प्लेन कहां जा रहा है, इस बोर्ड के अंदर जा रहा है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। नाउ मैं अगर बात करूं कि यहां पे वन टू थ्री ये फोर, क्लियर है। और नाउ माय डियर फाइव सिक्स सेवन एंड दिस इज एट। नाउ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टू के ऊपर आ गया आपका वन, टू के ऊपर आ गया वन, थ्री के ऊपर टू, ठीक है। ये हो गया आपका वन, ये हो गया टू, और कुछ ये ऐसा दिखाई दे रहा होगा, थ्री से जुड़ेगा आपका फोर, कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास फोर और ये थ्री था, ठीक है। नाउ और इसके बीच में एक जो प्लेन होगा वो कौन सा होगा आपके, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन माय डियर, ये होगा आपके पास फोर, जो लड़का रहेगा, जो लड़का रहेगा। बाकी जो है, बाकी जो है आपको कुछ ऐसा दिखाई देंगे, छह सात और आठ, फाइव सिक्स सेवन एंड, क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। हाँ, फोर वाला जो पेन है उसके नीचे वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, उसके नीचे वैकेंसी क्रिएट माय डियर फ्रेंड हो चुकी है। नाउ अगर और भी अच्छे से दिखाने की कोशिश करूं, देखेंगे एक बार, थ्री का फोर जुड़ गया, ठीक है। नाउ दिस वन इज सिक्स सेवन, सिक्स सेवन, दिस वन इज एट, दिस वन इज माय डियर फ्रेंड एट, सिक्स सेवन एट। नाउ नाउ ये एक मैंने प्लेन माना, ये मैंने एक प्लेन माना हमारे प्यारे भाई बहनों, और देखे और मैंने ये देखा कि सर जो फोर वाला है, जो फोर्थ वाला प्लेन है, उसके नीचे, उसके नीचे आपका वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो सिंगल लटका हुआ है, वो बिल्कुल ऐसे लटका हुआ है ना, देखो इसके नीचे कोई थोड़ी एटम है, यहां भी देख सकते हैं आप, इसके नीचे कोई एटम नहीं है ना, फोर के नीचे कोई एटम नहीं है, बोलो क्लियर है। नाउ नाउ माय डियर फ्रेंड, तो मैं यहां से देखो एक बात कह सकता हूं क्या, लाइक दैट ये कुछ ऐसा बनाऊं मैं इसको, ऐसा फोर्थ वाले को बीच, बिल्कुल बीच में लेता हूं, ये बिल्कुल ऐसा, ठीक है। दिस वन इज व्हाट, योर फोर्थ वाला, दिस वन इज योर फोर्थ, दिस वन इज नथिंग बट योर फोर। अब आप कह सकते हो क्या, जो फोर वाला है इसके बिल्कुल, इसके अगर मैं 3D की बात करूं, अगर मैं 3D की बात करूं, अगर मान लो फोर वाले आइटम को मैं दूसरे पेन से दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए,
ये दिखाई दे रहा है, ये फोर्थ वाला। और अगर मैं इसके 3D की बात करूं लाइक दैट, तो ये प्लेन है और एक कैसा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि इस फोर्थ वाले प्लेन के एज पे आपके वैकेंसी क्रिएट हो रही है, मतलब इस बोर्ड के अंदर, इस बोर्ड के अंदर। तभी तो इसे बोला लाइन इफेक्ट, तभी तो इसे बोला लाइन इफेक्ट माय डियर फ्रेंड। नाउ अगर मैं इस व्हाइट वाले प्लेन की बात करूं, अगर मैं इस व्हाइट वाले प्लेन की बात करूं जो कि बोर्ड के अंदर घुसा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं क्या इसके इधर तो क्या है स्लिप प्लेन है, इसके अदर तो इधर तो क्या है माय डियर फ्रेंड स्लिप प्लेन है। बोलो इसके अंदर अंदर तो क्या हो रहा है, इसके इधर तो क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड स्लिप हो रहा है, लेकिन इसके उधर स्लिप थोड़ी होगा क्योंकि हमने ओनली मोमेंट काटा कहां तक है, 4 तक काटा था। बोलो हमने कहां तक काटा है, 4 तक काटा है, तो हम देख सकते हैं कि भैया स्लिप कहां हो रहा है। आप कह सकते हो सर चल कहां रहा है, ये देख लो यहां से लेकर यहां से चल रहा, देखो मूवमेंट कहां हुआ, मूवमेंट कहां हुआ। आप कहेंगे सर ये अपनी पुरानी वाली पोजिशन पे, ये अपनी पुरानी पोजिशन पे कुछ यहां था वो यहां हुआ, सिमिलरली सब में ऐसा ही हुआ। कहां तक हुआ, 4 तक हुआ। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लेन को आपको दिखाना चाहूं, ये जो अंदर घुसा हुआ प्लेन है माय डियर फ्रेंड, अंदर घुसा हुआ प्लेन है, इसको अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो कुछ ऐसा समझ पाएंगे आप। अगर मैं आपको ये कुछ दिखाना चाहूं जो अंदर प्लेन घुस रहा है ना, ये वाला मान लो इसका नाम लिख दिया मैंने ABCD, ABCD, इस प्लेन को दिखाना चाहूं आपको, तो आप कहेंगे सर कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, ऐसे दिखाई देने वाला है। और मैं कह सकता हूं क्या ये क्या है आपका स्लिप प्लेन है, ये आपका मान लो क्या है स्लिप प्लेन है। और स्लिप प्लेन बोले इसका मतलब क्या, यहां पे एटम मूव करेंगे, स्लिप प्लेन है जिसमें जिसमें मेरे प्यारे भाई बहनों बीच में कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा लाइक दैट, ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। और देखें जरा एक बार, देखें एक बार वापस, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला चीज, ये वाला दिखाई दे रहा है, देखो फोर वाला जो चीज है फोर वाला। तो इसे मैं क्या कहूंगा एज डिसलोकेशन ना, इसे मैं क्या कहूंगा एज डिसलोकेशन, क्योंकि एज पे हो रहा है, मैंने बताया था अभी आपको जस्ट पहले वाली साइड में जस्ट लाइक दैट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, इसके नीचे वाले अंदर घुस के बोर्ड के अंदर वाले प्लेन के नीचे क्या है आपके एटम नहीं है। तो इसको अगर मैं ऐसा दिखाना चाहूं तो क्या दिखा सकता हूं, ये आपका स्लिप प्लेन था, लेकिन इसके इधर तो नो स्लिप, इसके इधर तो क्या था 5, 6, 7, 8 था, तो इसके इधर तो क्या नो स्लिप कंडीशन थी, नो स्लिप, यहां पे कोई स्लिप नहीं था। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे इस पर्टिकुलर स्लिप था, स्लिप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देखो यहां पे स्लिप हो रहा है और स्लिप की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इस टाइप का है क्या, यहां पे स्लिप हो रहा है माय डियर फ्रेंड, स्लिप हो रहा है और ये क्या है आपके स्लिप की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को बता रहा है, ये वेक्टर दिखाई दे रहा है आपको वो स्लिप का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को बता रहा है माय डियर फ्रेंड। देखो ये वाला डायरेक्शन, ये वाला कैसे दिखा रहा है, देखो आपने कहा सर स्लिप कहां हो रहा है, आपने कहा सर जो प्लेन से वो कहां मूव कर रहे हैं, जो प्लेन से वो कहां मूव कर रहे हैं, आपने कहा सर प्लेन पुश इस तरफ हो रहा है, तो क्या डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है, बोलो क्या डायरेक्शन है इसका, इस तरफ वाला डायरेक्शन है। और कितना पुश हुआ, कितना पुश हुआ, तो मैं कहूंगा सर ये इतना पुश हुआ यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, इतना पुश हुआ यहां से यहां तक। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, पहले एक के ऊपर एक था लेकिन अब दो के ऊपर एक आ गया, इतना पुश हुआ। तो ये क्या डायरेक्शन मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे स्लिप का मैग्नीट्यूड दे पा रहा है और डायरेक्शन भी दे पा रहा है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड, क्लियर है नाउ। और जो बीच वाली ये लाइन है, जो बीच वाली लाइन है ब्राउन कलर का, वो क्या है बताओ, वो क्या है, ये आपका प्लेन था माय डियर फ्रेंड, ठीक है। जो बीच वाली आपकी लाइन है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो क्या दिखा रही है, जस्ट लाइक दैट, ये जो लाइन है वो दिखा रही है आपकी डिसलोकेशन लाइन, ये क्या है, जो कि एक स्लिप प्लेन को दो भागों में बांट रही है, जिसमें यहां तो एटम्स
जो स्लिप है, जो जो प्लेन है वो मूव कर रहे हैं, यहाँ पे नो स्लिप है। मैं कह सकता हूँ कि देखो यहाँ पे वापस विजुलाइज करते हैं कि भैया ये मैंने एक प्लेन बनाया, इसी प्लेन को मैंने यहाँ खोला है, इसी प्लेन को मैंने यहाँ खोला है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे देखा हमने कि भैया इस प्लेन के नीचे वैकेंसी आई थी, तो मैं कह सकता हूँ दिस इज बेसिकली वॉट, एज डिसलोकेशन। ये क्या होगा आपका, एज डिसलोकेशन होगा, बोलो, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेन के एज पे वैकेंसी क्रिएट हुई है, पूरा इस पूरे में नहीं है, इसके नीचे देखो, फोर के नीचे तो है क्या, फाइव के नीचे है क्या, नहीं है, सिक्स के नीचे भी नहीं है, फाइव फाइव से जुड़ रहा है, सिक्स से जुड़ रहा है, सेवन से जुड़ रहा है, और एट से जुड़ रहा है, तो ओनली फोर के नीचे ही तो वैकेंसी क्रिएट हुई है। जहां देखो और समझाता हूं, यहां सब जगह एटम है, यहां सब जगह एटम है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां सब जगह एटम है, तीन में सब एटम है, अरे ओनली फोर के नीचे तो नहीं है, फोर के नीचे तो नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये फाइव है, फाइव का फाइव जुड़ रहा है, सिक्स का सिक्स से जुड़ रहा है, देखो सिक्स यहाँ पे भी सिक्स, सेवन, एक फोर तो है ही जो बॉन्ड नहीं बना पाया एटम के साथ, नीचे वाले प्लेन के साथ, क्लियर है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो देखो आप फोर के नीचे जो है आपको वैकेंसी दिखाई दे रही है इन बिटवीन दिस। तो हमने देखा कि अरे ये वाला जो लाइन है जो कि क्या है आपकी एज डिसलोकेशन लाइन है, मतलब इस लाइन के नीचे तो वैकेंसी है जो मैंने अभी पहले बताया था आपको। तो मैं कह सकता हूं क्या, ये जो लाइन है वो क्या है आपकी डिसलोकेशन लाइन, ये जो लाइन है वो क्या है आपकी, बोलो ये लाइन है वो क्या है आपकी, डिसलोकेशन लाइन है। डिसलोकेशन लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन स्लिप एंड नो स्लिप रीजन। तो मैं कह सकता हूं क्या, ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो लाइन है, लाइन जो है वो क्या है आपकी, डिसलोकेशन लाइन है जो कि सेपरेट कर रही है इस प्लेन को स्लिप एंड नो स्लिप कंडीशन में, क्लियर है। एट डिसलोकेशन लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन, अ डिसलोकेशन लाइन, अ डिसलोकेशन लाइन इज बाउंड्री बिटवीन, डिसलोकेशन लाइन इज बाउंड्री बिटवीन स्लिप एंड नो स्लिप, स्लिप एंड नो स्लिप, स्लिप एंड नो स्लिप, स्लिप एंड नो स्लिप रीजन ऑन ए स्लिप प्लेन, रीजन, रीजन ऑन ए स्लिप प्लेन, रीजन ऑन ए स्लिप प्लेन। बोलो क्लियर है यहां तक, बोलो यहां तक क्लियर है। और इस लाइन क्या बोलते हैं अपन, एज डिसलोकेशन लाइन, ये तो पता ही है आपको, ये तो आपको पता ही है, इसे बोला गया एज डिसलोकेशन लाइन। देखा था ना ये वाला एज डिसलोकेशन, देखा मैंने एज डिसलोकेशन, इसे बोला गया एज डिसलोकेशन लाइन, एज डिसलोकेशन। अब मुझे बताओ कि जो एज डिसलोकेशन लाइन है और एक स्लिप प्लेन है, मतलब स्लिप का डायरेक्शन है, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं कि स्लिप का जो स्लिप जहां हो रहा है, तो स्लिप प्लेन है वो इस डायरेक्शन में है, जहां पे स्लिप हो रहा है, जहां पे आपका प्लेन आगे मूव कर रहा है, देखो कंटिन्यू पुश कहां लग रहा है इसको, इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, लेकिन लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक्चुअली स्लिप कहां हुआ है, इस प्लेन के बिल्कुल नीचे। तो मैं कह सकता हूं क्या, तो मैं कह सकता हूं क्या कि जो स्लिप का डायरेक्शन है वो तो क्या है, बिल्कुल इस इसके इस तरफ है, कितना है देखो, इतना है स्लिप का, जो मैग्नीट्यूड की बात करें इतना है, इतना, क्लियर है। और जो डिसलोकेशन लाइन है, जो डिसलोकेशन लाइन है वो इसके अंदर है, लाइक लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। इस प्लेन को अगर मैं, ये प्लेन ऐसा है, इसको अगर मैं ऐसा देखूं, ये प्लेन देखो कैसा है, एबीसीडी ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इसको ऐसे देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, क्लियर है। जिसमें यहाँ पे ये हो गया आपका डिसलोकेशन लाइन, इज बेसिकली व्हाट, डिसलोकेशन लाइन, डिसलोकेशन लाइन, और ये हो गया आपका ए बी सी डी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं कह सकता हूँ क्या यहाँ पे कि जो डिसलोकेशन लाइन है बेसिकली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इसके स्लिप के डायरेक्शन के। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो जो वैक्टर, जो वैक्टर स्लिप की डायरेक्शन दिखाता है, जो वेक्टर प्लेन्स के स्लिप की डायरेक्शन दिखाता है, उसे बोला गया बर्जेस वेक्टर।
क्या बोला गया, बर्जेस फैक्टर बोला गया। इसकी बात हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इफ यू रियली लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।